और सिर्फ जितना जरूरी है उतना ही खाने का ऑर्डर जनता से लेंगे, ऐसा हो पाएगा? दिल्ली का वोक इन द क्लाउड रेस्टोरेंट, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद इस सवाल का जवाब तलाशने पहुंची हैं कि आखिर क्यों रेस्टोरेंट में फुल प्लेट ऑर्डर लेने की ही पाबंदी होती है। क्या फुल प्लेट ऑर्डर लेने के बहाने रेस्टोरेंट आम जनता की जेब ज्यादा काटते हैं और अपना मुनाफा बनाते हैं? मैं हूं इस समय वोक इन द क्लाउड रेस्टोरेंट में, खान मार्केट में, और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि आखिर जब कोई एक डिश तैयार होती है तो उसमें लागत कितनी आती है, किस तरह से कितने लोगों के लिए वो पर्याप्त होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ कुक है यहाँ हरीश रावत जी। शेफ हरीश, डबल स्पाइस फिश एक चाइनीज डिश है, ये बनाने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में इस डबल स्पाइस फिश फुल प्लेट की कीमत है 575 रुपए। इसमें मछली के 8 पीस हैं, 2 लोग इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर एक आदमी को खाना है तो ये डिश हाफ प्लेट क्या मिल सकती है? और इस एक डिश को बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना मुनाफा रेस्टोरेंट का होता है, ये सब आपको बताते हैं। इसकी कॉस्ट हमारे मेन्यू में 575 रुपीज है, और इसकी लागत अगर हम देखें तो कितनी है? इसकी लागत अप्रोक्सीमेटली 225 से 250 रुपए आती है। यानी एक डबल स्पाइस फिश जो आपको 575 रुपए फुल प्लेट रेस्टोरेंट में दी जाती है, उसको बनाने की लागत तो सिर्फ 225 रुपए ही आ रही है। तो क्या फुल प्लेट के नाम पर एक आदमी से 350 रुपए मुनाफा ले लिया जाता है? रेस्टोरेंट मालिक दीपक टंडन कहते हैं बाकी के खर्च भी तो हैं, मुनाफा कहाँ बचता है? इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, रेंटल्स हैं, हमारी सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, और भी बहुत सारे अनसीन खर्चे हैं जो आते हैं, तो सब कंसीडर करके हम इसकी कॉस्ट करते हैं। तो कोई भी डिश को हम कॉस्ट करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं 30 to 45% किसी चीज़ की कॉस्ट 35 आती है, किसी की 45 आती है, और उसके ऊपर जो है ये बाकी कस्टमर। अब ये समझना मुश्किल नहीं कि फुल प्लेट डिश की लागत और मुनाफे के बीच अब भी अंतर है। शायद इसीलिए फुल प्लेट का चक्कर आपके ऊपर डाला जाता हो। ऐसे में अब हम ये जानना चाहते थे कि आखिर रेस्टोरेंट वाले क्यों हाफ या क्वार्टर प्लेट का ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं होते। गैस वगैरह जो भी चीज उसमें लगती है वो तो इक्वली सेम रहता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। उसके हिसाब से जो अगर कस्टमर चाहेंगे कि हमें 100 ग्राम खाना है तो बहुत तकलीफ होगी हमारे इंडस्ट्री के लिए, मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन कम तो नहीं होगा, लेकिन कस्टमर के लिए वो एडिशनल बर्डन होगा क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा हाफ फुल। लेकिन अगर उसको क्वार्टर करेंगे तो अब एक किसी कस्टमर ने कोई चीज़ ऑर्डर करी और उसने 3 चीज़ें ऑर्डर करी और तीनों चीज़ों को बनाना एट ए सेम टाइम छोटी क्वांटिटी में, हमारी कॉस्ट को भी अफेक्ट करेगा, हमारे किचन के टाइम को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन आम आदमी फुल प्लेट मुनाफाखोरी के खिलाफ घंटी बजाते हुए ये पूछना चाहता है कि अगर जनता के लिए सर्विस है तो जनता के हिसाब से क्यों नहीं? जैसे मोबाइल में जितना ज़रूरी है उतना ही टॉक टाइम हम ले सकते हैं, अगर जितना ज़रूरी है उतने ही दिन का डीटीएच रिचार्ज करने की सुविधा है तो क्यों नहीं रेस्टोरेंट में जनता की ज़रूरत के मुताबिक ही खाना ऑर्डर करने की आज़ादी मिले। इस रिपोर्ट को आपके लिए तैयार करने के बाद दो पक्ष और ऐसे थे जिनकी राय फुल प्लेट मुनाफाखोरी रोकने की मुहिम में जाननी बेहद जरूरी है कि आखिर उपभोक्ताओं की आवाज उठाने वाले एक्सपर्ट क्या कहते हैं, और फुल प्लेट ऑर्डर की पाबंदी के खिलाफ सरकार के नियम पर होटल एसोसिएशन का पक्ष क्या है। डेफिनेटली इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए।